तो आज हम आए हैं गजानन डोसा सेंटर में। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे येलो इडली, जो अमरावती में सिर्फ यहीं पे मिलती है। इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया होता है। और सेकंड चीज़ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे यहाँ का उत्तपम, बिकॉज ये प्लेस मेरी पर्सनली फेवरेट प्लेस है साउथ इंडियन फूड के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आए हैं गजानन डोसा सेंटर, यहाँ पे ट्राई करेंगे यहाँ की येलो इडली। एंड इसका लोकेशन है दस्तूर नगर पूनम फर्नीचर के जस्ट अपोजिट साइड में। तो चलो यहाँ के ओनर से बात करते हैं, यानी कि इडली ट्राई करेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का मेन्यू काफ़ी अच्छा है एंड प्राइस दिखा है। तो चलिए यहाँ के ओनर से बात करते हैं, देन यहाँ की येलो इडली ट्राई करेंगे। तो भैया आपकी शॉप का नाम क्या है वैसे? मेरी शॉप का नाम गजानन डोसा सेंटर। और यहाँ का एड्रेस और टाइमिंग? यहाँ का एड्रेस वैसे तो यशोद नगर बाईपास रोड, हाँ, पूनम सोफा एंड चेयर्स के सामने। यार आपकी टाइमिंग क्या है? अपना टाइमिंग 5 बजे से 10 बजे तक। क्या क्या मिलते हैं अपने यहाँ वैसे? अपने यहाँ वैसे तो 4 आइटम मिलते हैं, डोसा, उत्तपा, इडली, वड़ा। अपने यहाँ का फेमस बोले तो सांभर और चटनी, दोनों अपने यहाँ की फेमस है, जो अमरावती में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। दूसरा कि एक अपना जो इडली शिप ढोकला है, आपको पूरे विदर्भ में भी कहीं नहीं मिलेगा, अमरावती छोड़ ही दो, जो ये वाला येलो कलर का है कहीं नहीं मिलना है आपको। होटल में भी जाएंगे तो भी नहीं मिलना है अपने को। लोगों को इतने लाइक करते कि बस अभी बना है अपना 5 से 10 दुकान है, 6-7 बजे तक है ज़्यादा से ज़्यादा, बाद में अपने को मिलना ही नहीं वो आइटम। कस्टमर को खाने के लिए 6 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे का मिलता ही नहीं उसको। अमरावती से देख रहा है इंसान, उसको क्या बताएंगे आप? असं म्हणणं आहे की सर्वांनी एकदा तरी इथे येऊन ट्राय करायचं, जे आपण बोलत आहे ना हे इडली शेप ढोकला वगैरे याच्याबद्दल, की त्याच्यासाठी एकदा इथे यायचं, ट्राय करा, त्याच्यानंतर स्वतंत्र डिसाईड करा आपण की खरंच अमरावतीला बाहेर कुठे मिळते का। तो ये इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका जो मिक्सचर होता है, एक ढोकड़ा और इडली का मिक्स होता है, तो ढोकड़े से खट्टा मीठापन होता है वो इसमें बहुत अच्छे से आता है, और एक थोड़ा सा स्वीट भी आता है, हल्का सा स्वीट। और मतलब जो टेस्ट है इसका कुछ अलग है, लेकिन काफ़ी अच्छा। और एक बात जो मैं यहाँ की हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ का जो सांभर है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब जो टेस्ट होता है काफ़ी ऑथेंटिक सांभर है साथ। तो अभी बन रहा है उत्तपा, एंड अभी गया इसका बैटर तवे पे, उसमें आ गया सांभर, ओनियन, गाजर, वाह काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग। अभी आ रहा है आलू की सब्जी, इसकी भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। ये उनके मसाले, सांभर मसाला, ये आ गया थोड़ा सा तेल ऊपर से, अभी अच्छे से स्मैश करेंगे सबको। वाह मिसल दरबार, तो अभी हमने यहाँ से ऑर्डर किया उत्तपा, 30 रुपीज़ इसका प्राइस है। 30 रुपीज़ में काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है, एंड यहाँ का सांभर मुझे काफ़ी पसंद है, इसको ट्राई करते हैं अब। स्टफिंग बहुत अच्छी डाली थी उन्होंने, गाजर, ओनियन, हरा धनिया एंड थोड़ी चटनी के साथ। उत्तपा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, गर्म है, सांभर के साथ, कोकोनट चटनी के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर आपको खाना है हेल्दी उत्तपा तो यहाँ पे ज़रूर आना, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ऐसे वीडियो के लिए कीप फॉलोइंग माय चैनल। थैंक यू।